लड़की भी क्या चीज बनाई है आपने भगवान, सुपर। कुछ बताती हैं, कुछ छुपाती हैं, यही अदा तो इन हसीनों को और हसीन बनाती है। चली गई बैग भी नहीं है, कहां चली गई? क्या कर रहे हो आप यहां? क्या कर रही है वो लड़की? कहां है जो है सो रही थी? अरे आंटी वो लड़की कहां है? उतर गई। वो लड़की उतर गई? मैं अपनी नींद की बात कर रही हूँ, बहुत चढ़ी हुई थी, थोड़ा सोई हूँ तब जाके उतरी कुछ नींद। आंटी वो लड़की कहाँ है जो यहाँ सो रही थी? ऊपर मेरे बर्थ पे सो रही है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। थैंक यू बहन जी, कल की मदद के वास्ते। बहन जी। भाई साहब, ये बहन जी आपकी लगती क्या है? ये मेरी बड़ा टाइम लगा रहे हो सोचने में? नहीं नहीं, मैंने इस बारे में अभी सोचा नहीं। अच्छा आप ही बता दीजिए, आप इनकी लगती क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं, कुछ तो ये लगते हैं आपके। जब इतना पूछ रही हैं तो आप बता दीजिए ना कि हम आपके है कौन? हमने कहा ना कुछ नहीं। मुझे पता है ये आपके कुछ तो लगते हैं। अच्छा अगर आपको ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के कुछ लगते हैं तो आप ही बता दीजिए हम दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं। बता दूं? बताइए। सच में बता दूं? बिल्कुल बताइए। सोच लो। सोच लिया। पड़ोसी? पड़ोसी? हाँ पड़ोसी। देखिए इनकी सीट का नंबर है 37 और आपकी सीट का नंबर है 38। लो तो हुए ना पड़ोसी। प्रसादन प्रसाद लीगल एडवाइजर्स की तरफ से। ओके सर, आपके टू रूम्स ऑलरेडी बुक हैं। सर रूम नंबर 116 एंड 117। थैंक यू। सर यहाँ एंट्री कर दीजिए। एक्सक्यूज मी सर। यस। अच्छा नहीं किया आपने इस समय यहाँ आकर। क्या मतलब? मतलब तो मेरे बाप के कई हैं। आपके हिस्से में पता नहीं कौन सा मतलब आता है। राहु काल चल रहा है इस समय। तो क्या आपके हाथ में चाबी है ना? उसका नंबर देखो। देखो है ना 116। हाँ तो
इससे क्या फर्क पड़ता है? 6 + 1 + 1 यानी 8। शनि की दशा, ये कमरा आपके लिए ठीक नहीं है। Don't believe him यार, it's all rubbish, बेकार की बातें हैं। चलो बेकार तो बेकार सही, अपने मन के विचारों को पढ़ो। आप हमें घर फोन करना है। अपने पापा की ड्रीम को लेके परेशान है ना आप? अरे आप गए नहीं अभी तक? बस जा रहे हैं। हमें फोन कर सकते हैं? तीन फुट। अब आप पूछिए मैं यहां क्यों आया हूं। पूछिए, आपको ये बताने कि मैं आपकी कितनी केयर करता हूं। अगर आपको उस वेटर की बात पे जरा सा भी यकीन है ना, तो आप अपना ये 1 + 1 = 6 यानी कि 8 नंबर का रूम छोड़कर मेरे रूम में चले जाइए और मैं यहां आ जाता हूं। व्हाट्स इट? नो थैंक्स। एक बात, आप तैयार कितने टाइम में होंगे? मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि क्लाइंट का फोन आया था और वो पूछ रहे थे हम कब तक आए। हम 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे। अच्छा, लड़कियां 10 मिनट में भी तैयार हो सकती हैं? जी। आपको जो भी कहना है एक बार में नहीं। गुस्सा है तो पानी पी लेना चाहिए। ला जाओ, रख दूं अंदर। ममता। कौन ममता? ममता शर्मा, शायद शादीशुदा थी वो, पर बताया नहीं उसने। तो हम क्या करें? आप ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? इसी रूम में रुकी थी वो, 116 नंबर 8, पर समय से पहले रूम छोड़ गई। हेलो। हेलो माँ, हम बोल रहे हैं। तुम ठीक हो ना बेटा? माँ, अभी थोड़ी देर पहले पिताजी से बात हुई, बहुत गुस्से में लग रहे थे। माँ, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? नहीं बेटा, कोई भी माँ अपने बच्चे को कुछ गलत करने की आज्ञा नहीं देती। तुम अपना ख्याल रखना और अपना काम ठीक से करना, हम यहां सब कुछ संभालेंगे। कल तक आ जाओगी ना बेटा? जी। नमस्ते। थैंक्स। आप कभी मुंबई आए हैं? सपनों का शहर है, कई बार इंसान भी यहाँ गुम हो जाते हैं और सपना बन जाते हैं। शहर नहीं, भूलभुलैया है ये। कॉफी शॉप किधर है? पता चल जाएगा, एक ही रात में सब पता चल जाएगा। वैसे अगर आप नोटिस करें
तो 3 फुट का प्रॉमिस मैंने यहाँ भी निभाया है। अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना कि मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ, और सच के सिवा कुछ नहीं कहता। और पता है भाई साहब, एक सच ये भी है कि मैंने नाश्ता नहीं किया, मुझे बहुत भूख लगी। इतना ख्याल है आपको मेरा। मैं वैसे होटल से निकलते समय चॉकलेट लाया था, खाएंगी? No thanks. आप लड़कियों को वेट गेन का टेंशन होता ना, कोई बात नहीं, मैं खा लेता। मॉर्गेज, a mortgage is not a debt by and in itself. आधा चॉकलेट खा लीजिए, रैपर कहां पेट भरेगा। दीदी मैं आपकी परेशानी समझती हूं, यही सोचकर परेशान है ना कि इतने बड़े शहर में आभा को उस लड़के के साथ किस किसने देखा होगा, किस किसने नहीं देखा होगा। मगर आप बिल्कुल परेशान मत होइए, किसी ने भी नहीं देखा। मैंने सारे मोहल्ले से पूछा। मतलब इस बात की चर्चा आपने सबके साथ की? अब इतनी बड़ी घटना घटी है तो सबसे पूछना तो था ही ना। सब हैरान थी, हमारी आभा ऐसे कैसे कर सकती है। मगर मैंने सबसे कह दिया कि आपको भले कोई कुछ भी पूछे विश्वास मत करना, हमारी आभा बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं है। सही किया ना मैंने? सुनिए, ये मिस्टर बाटली वाला है। वो रहे। थैंक यू। मैडम, वो लोग आ गए। मिस्टर बाटली वाला? हेलो। हेलो हेलो, हाय। हाउ मिला है? कैसा है? माय गॉड। हाय। मैं सब जल्दी आ गई। हमें सब रिटी हो जाता है स्वागत करने का। एडवोकेट के बेटा बहु हो ना तुम? क्या जलसा है, जलसा है, एकदम फर्स्ट क्लास जोड़ी है तुम्हारी। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बहुत खूबसूरत है। नहीं नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग को कोई गलतफहमी हुई है। मैंने आपके ऑफिस से फोन किया था, जल्दी से घर मिल गया तो किसी डिक्री ने उठाया, बोले एडवोकेट साहब की बेटी हूँ। हाँ कनिका, क्या कहा उसने? मैंने बोला मैं अभी मुंबई से बोलता है, वो बोली भैया आपके काम से ही मुंबई गया है शायद, साथ में एक डिक्री भी है, वो कौन है आपको पता चल जाएगा। मैं बोली खूबसूरत लड़की साथ में है तो वाइफ ही होएगा। नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तस्वीर है, ये हमारे ऑफिस में काम करती हैं, ये वो हमारी वाइफ नहीं है। सॉरी सॉरी, बहुत बड़ा गलती हो गया। नो प्रॉब्लम आंटी, कोई बात नहीं।
ये आपकी कोर्ट केस के फैसले की फाइल, इसमें मॉर्गेज क्लॉजेस मेंशन्ड है। एज पर द मॉर्गेज एग्रीमेंट द इंटरेस्ट ऑफ द सॉरी, असल में इसमें लिखा है कि द बोरोअर हैज टू, चक्कर में वही भूल गया जो रट्टा मारा था। आपके सामने वाला अगर आपको आपके कर्ज के पैसे सूद समय नहीं लौटाता तो उसकी सारी प्रॉपर्टी आपकी हो जाती। ये लिखा है इन पेपर्स में, समझे आप? जी, यही लिखा है। आप इन पेपर्स साइन कर दीजिए। हाँ। अंटी, नमस्ते। थैंक यू। क्या हुआ, आप बात क्यों नहीं कर रही हैं? मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं आप? मैडम, आपका टिकट हो गया, एयरपोर्ट जाने में आधा घंटा लगेगा। हेलो, उज्जैन का नंबर लग गया है, लीजिए बात कीजिए। जी, होटल का रूम नंबर 116 है। आपसे पहले भी बात हुई थी? लीजिए बात कीजिए। हेलो, कौन? आपको शायद जिससे बात करनी है वो अभी अभी निकली है, अभी तक साथ ही थी। कोई मैसेज? चंद्रप्रभा जी, जब आभा ने आपको पहले फोन किया था, क्या कहा था होटल वालों ने? कौन से कमरे से फोन? क्या बात हुई? जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। शायद कमरा नंबर 116 ऐसा कुछ। बात क्या हुई? आप जाइए, हमें अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा जाइए। एक्सक्यूज मी, यस, आप इस फ्लाइट के पैसे भी बिल में लगा दीजिएगा, हम अपनी पे से एडजस्ट करवा देंगे। फ्लाइट का PNR क्या है? एक सेकेंड, INAHS and flight number is 314. मैम आप प्लीज नोट कर लीजिए। प्लीज आप हमारा बैग नहीं उठाएंगे। इनके और भी गुलाम हैं। 3 feet. हाँ।
हमारा बैग दीजिए। दोनों साथ आए हैं तो साथ जा नहीं सकते। बिलीव मी, मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, सच्ची, ट्रस्ट मी। आप हमारे पीछे मत आइए। ओके ओके, जाते जाते मुस्कुरा तो दीजिए। कैंसिल हो गई। यस। एक घंटे बाद दोनों साथ में आराम से निकलेंगे। वैसे हमारी बर्थ साथ में है, पर हम दोनों अलग अलग बैठेंगे और जरूरत पड़ी तो मैं कॉरिडोर में बैठूंगा। 3 फीट का प्रॉमिस। भूला नहीं हूं मैं, और पता नहीं ना कब आपको मेरी किस बात का बुरा लग जाए और गुस्से में जाके आप ट्रेन की चेन खींच दें और फिर उतर कर बोले कि मुझे फ्लाइट की टिकट चाहिए अभी के अभी, तो टेंशन हो जाएगी ना। मैडम बैठिए। हमने कब मंगवाई? हमने मंगवाई थी, लाइए लगा देते हैं। क्यों होता है? कैसा? जो जख्म देता है दवा भी वही देता है। सॉरी, हम आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। मेरे लिए बैग में सैंडविच लेके आती है, वॉलेट भूल गया तो टैक्सी वाले के पैसे दिए, अंकल आंटी के सामने मॉर्गेज वाली बात भूल गया तो उन्हें वो बात समझाई। आपने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे ऐसा लगता था कि लड़की लड़के के बिना नहीं चल सकती, अब लगता है कि लड़की के बिना लड़का भी नहीं चल सकता। दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है। So I stand corrected. हर लड़के को लड़की की जरूरत पड़ती है। मुंबई से किसी बाटली वाले का फोन। तो तुमने तस्वीर को परेशान करने के लिए बाटली वाले से ये कह दिया कि मेरे साथ जो लड़की आएगी उसे देखकर वो समझ जाएंगे वो कौन है? हाँ, क्योंकि वो शक्ल से तो नौकरानी लगती है, इसीलिए मैंने कहा कि वो एक नौकर को नौकर ही समझे। शट अप कनिका। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से वो तस्वीर को मेरी वाइफ समझ बैठे। आपकी वाइफ? बैड लक भैया, आपको ना तस्वीर जैसी वाइफ मिलेगी। वेरी फनी। हंस के ना यू बात की सीरियसनेस को खत्म करने की कोशिश मत करो। जिस पे तुम हंस रही हो ना वो तुमसे 100 गुना बेहतर है। तुमसे ज्यादा सुंदर है लेकिन उसे अपनी सुंदरता का गुरूर नहीं है। वो तुम्हारी तरह यूं बेकार की बातें नहीं करती है, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और तुमसे ज्यादा संस्कारी भी है। तुम तो उसके सामने एक बिग जीरो हो, जीरो। हमें बैग रखना था और चेंज करना था। चाहिए? इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हर जगह किसी ना किसी तरीके से मेरी बेइज्जती करवा देती है ये। तस्वीर जी, अरे आप फिक्र मत कीजिए, मैं कनिका को अभी फोन कर लेता हूँ।
फोन नहीं उठा रही पागल। आप थोड़ी देर वेट कर सकती ना, मैं फोन ट्राई कर रहा हूं। चेहरे पे परेशानी साफ दिख रही है। आप एक काम कीजिए ना, आप घर चले जाइए, बैग कल ले लेना। कितना देर वेट करेंगे? पर हम इन कपड़ों में घर नहीं जा सकते। अच्छा ठीक है, कुछ सोचते हैं। आइडिया, आप जाते समय बाजार से नए कपड़े ले लीजिए, अपनी कोई इंडियन ड्रेस। हमारी बात तो सुनिए। चल तू घर। मामी सुनिए तो सही। मामी मामी नहीं मामी चल चल मामी मामी चल हमारी बात तो सुनिए। मामी 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 हमारी बात सुनिए। मामी सारा मोहल्ला मन ही मन हंस रहा होगा मुझ पर। शीतल, जिसने कभी अपने सर से पल्लू उतरने तक नहीं दिया, उसके घर में ऐसी भी लड़की रहती है जो राम 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 ऐसे बेशर्मी के कपड़े पहनती है। आंखों पर भरोसा कीजिए दीदी, आप जो देख रही है ना वो सच है। ये आपकी लाडली आभा ही है, आज जिसने आपके और हमारे कद को अपने कपड़ों से छोटा कर दिया। कपड़े इसने पहने हैं, शर्म मुझे आ रही है। मेरी बेटी होती ना तुम, कम से कम तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी आभा। हमने हर बार तुम्हारा साथ दिया है, हमारी दी हुई आजादी का ये सिला दिया तुमने। भगवान न करे उन्होंने तुम्हें इन कपड़ों में देख लिया तो पता नहीं क्या। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।